जिक्र नहीं किया कि उनका डांस बहुत अच्छा था। तो हमारे मुल्क में अब ये हो गया है कि आप अगर दूसरी फैसिलिटीज दे दें तो उनको काम मिलता है, डांस की कोई बात नहीं कर रहा, असल चीज तो आपका काम है। बिल्कुल, जैसे डांस के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी अपने इंट्रो में भी ये बात करी थी, हम फिर से उसको रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि हमने जिस वजह से इस सेगमेंट को स्टार्ट किया था उसकी वजह ये थी कि हम बेसिकली आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्ट। हमारा मकसद ये नहीं कि हम डांस को, क्योंकि डांस अब कहीं ना कहीं जो है ना वो बड़े उसमें चला जाता है, लोग पता नहीं क्या समझते हैं डांस को, हालांकि ये बहुत आर्टिस्टिक चीज़ है। तो उसके ऊपर मैं जरूर थोड़ा सा चाहूंगी कि आप भी थोड़े से फर्क बात करें कि हमने जो पूरी अपनी टीम बैठी थी और जो पूरा डिस्कस किया था हमने। नहीं, उसकी बेसिकली वजह यही थी कि हम जो भी चीज़ दिखाएं वो बहुत प्योर हो और बहुत अच्छी। जैसे आज जो हम डांस मैं सिखा रहा हूँ वो बेसिकली वो फिल्म वाला ही डांस है जो फिल्म में हुआ हुआ है, या जिसे हम कहते हैं कि सिग्नेचर स्टेप्स, तो वो ही हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कि वो भी बहुत मजे के हैं। और जब एक अच्छी चीज को छोड़ के आप एक डिफरेंट चीज पे जाएं, जो जिस चीज को लोग देखना चाहते हैं, तो आप वही चीज दिखाएं। चले ठीक है जी, फिर लग करते हैं मौजा ही मौजा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, उससे पहले हमें ब्रेक पे जाना है, ठीक है? अच्छा, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो है फरुख होंगे फुल मौज में, हम सब मौज में चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जब हम थोड़े से डांस स्टेप सीखें, मैं वो वाला जरूर सीखना चाहूंगी, वो क्या होता है वो जो आगे वाला होता है शो के बाद। जंग सारा, जंग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, जंग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। करना क्या था बेसिकली स्टार्ट, जब मैं बताऊंगा फिर आप दोबारा से लगाइएगा। पहले स्टार्ट में थोड़ा सा एक एटीट्यूड है, कैमरा वो वाला है। अच्छा, ये वाला। अच्छा, स्टार्ट में थोड़ा सा एक एटीट्यूड है और थोड़ा सा स्टाइल, और उसके बाद हमने 16 काउंट का स्टेप है, और वो स्टेप कुछ इस तरह का है कि 1 2 3 3, ठीक है, इसको 4 3 4 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो हम 3 3 करते हैं, लास्ट में हमें 15 तक करना है, और उसके बाद हमने एक जंप लेनी है, ठीक है? और उसके बाद जो हमने स्टेप, जो मेन बेसिकली हमारा जो स्टेप है वो है जो गाने की लाइंस हैं उस पर हमारा जो है 1, और आप चाहें तो फुटवर्क करें, चाहे नहीं भी करते तो इट्स फाइन, इसलिए कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर ये स्टेप कर रहे होते हैं। So 1 2 3 4। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात जरूर कर दूं कि ये बहुत बहुत ही कैची नंबर है, लाइक और ये आजकल बहुत सारे लोग हैं, शादियाँ और सब चीज़ें, अब तो सीजन है बाकायदा, तो जो है आप लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक आप लोग उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको सीख सकते हैं। ये है मेरा कैमरा, ठीक है, तो पकड़ लिया। तो जो है ना इसको ज़रूर जो है आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपके घर में मेहंदी है नेक्स्ट वीक तो आई मीन बेस्ट है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो ऐसा गाना है कि इसमें जो है वो सभी उठ के खुद ब खुद ही ये गाना अपनी तरफ खींचता है, इसमें एक अट्रैक्शन है और सब मौज मस्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, सब मजे कर रहे होते हैं, पूरा फ्लोर जो है ना वो मस्ती मजे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो चले हम इसके मेन स्टेप्स करते हैं। तो मेन स्टेप्स जो थे इसके, इट्स अ 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 1 2 3 4 7 8 जो है, ये है 1 2 3 4। अच्छा, आप दोबारा एक दफा देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 7 8 जो है 1 2 3 4 है, ठीक है? और ये दो दफा करते हैं, उसके बाद हम एक सर्कल लेते हैं, और वो सर्कल नॉर्मली आप एक जैसे वॉक करते हैं, और वॉक करके आप फ्रंट आते हैं और फिर दोबारा एक जंप लेते हैं, ठीक है? और ये इसके लिए तो पेपर पेन लेके बैठे हैं आप लोग। हाँ, एक्चुअली डांस भी आपको याद करना पड़ता है, और आपका उसके लिए जरूरी है कि आप बादाम खाएं और अपने दिमाग को हाजिर रखें, इसलिए कि अगर जरा सा भी मिस हुआ, बड़ा खाएं बादाम वैसे, बहुत अम्मा जान जो है ना वो पानी भिगो के। हाँ,
सवाल भी किया जरा उसका भी बता दीजिएगा कि फर्रुक दरबार ने जब हमारे पास अपना फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट किया था तो कौन सा डांस स्टेप सिखाया था. ठीक है, ठीक है, सवाल है ना, कौन सा डांस स्टेप ही कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, कैटेगरी कौन सी थी, राइट, ठीक है, कैटेगरीज कौन, कैटेगरी कौन सी. अच्छा, नहीं दूंगी, तीन चार ही तो ऑप्शन होता है, आप लोग पकड़ लेंगे फौरन, तो फिर क्या फायदा ऑप्शन. ठीक है, अच्छा इसके बाद भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जब कंटिन्यू हम डांस करें तो आपको स्टाइल एक जहन में आ जाए कि क्या स्टेप हम कर रहे थे. और उसके बाद अच्छा मैंने बताया था कि हम उस स्टेप के बाद हम एक सर्कल लेते हैं और उसके बाद हम जंप, इट्स अ राइट लेफ्ट, एक जंप लेते हैं और उसके बाद दोबारा से है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7 8 और उस मेरे ख्याल हम यहाँ से करते हैं. अब लगाएं स्टार्ट से म्यूजिक और देखते हैं कि Baby, I'm gonna look into your eyes. I can see the stars shining so bright, so like the star you are. We love a heaven, you're so true, so cool. और ये गाना खास तौर पे, अच्छा मुझे बताओ कि ये मुश्किल डांस है या बहुत आसान डांस. नहीं एक्चुअली ये बात नहीं है, बात ये कि जब आपको कोई चीज नहीं आती तो वो मुश्किल लग रही होती है, जब आप कर लेते हैं उस्तादों वाला जवाब दिया तो वो नहीं, लेकिन हकीकत तो यही इफेक्ट है. लेकिन ये उस्ताद इसी तरह समझाते हैं ना अपने स्टूडेंट को कि देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती और हर चीज जैसे उन्होंने बोला बड़े मन से कि उन्होंने सीखा होगा बहुत आसान है जी. लेकिन मैं इस गाने के बारे में बल्कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक इमरान अब्बास, हमारे बड़े अच्छे हीरो होते हैं और मॉडल होते हैं, तो इमरान ने कभी डांस नहीं किया. अच्छा. तो एक शो में मैंने उनको इस गाने पे उनको उनसे डांस करवाया, वो और मदीहा इफ्तिखार. अच्छा. और मदीहा इफ्तिखार को उसके बाद इतनी ऑफर्स हुई और ये गाना उन्होंने एक शो के लिए तैयार किया था. अच्छा. लेकिन हुआ ये कि उसके बाद किसी की भी शादी होती है तो वो दोनों इसी गाने पे डांस कर रहे होते हैं. जाती है ना. हाँ. एक कोई गाना ऐसा जरूर होता है जिसका आपकी प्रैक्टिस होती है और आप ठक से खड़े हो जाते हैं शादी की. हाँ. शादी तो वो हर जगह ये होता है कि अब जहां भी कहीं कोई ऐसी गैदरिंग होती है या कोई ढोलकी या कुछ तो वो सब गाना लगा के उनको पता होता है कि ये दोनों आ जाएंगे. और डांस जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल काम है. कॉलर भी है, देखते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, सुबह बखैर. सुबह बखैर, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसी हैं और कहाँ गायब हैं भाई? मैं रोज करती हूँ, मेरी कॉलें अटेंड नहीं होती, आप यकीन करें रोज करती हूँ मैं कॉल. मैं तो इतना मिस करती हूँ आपको कि इतने पता नहीं बहुत दिनों से मैंने कहा गायब हुई नहीं है, नजर ही नहीं, को आवाज ही नहीं सुन रही. ईद मुबारक. ईद मुबारक, क्या कहेंगी जी? बस मैं प्रोग्राम तो आप रोज देखती हूँ, लेकिन ना आप यकीन कीजिए मैं कोशिश रोज करती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात. अच्छा, नहीं चले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ तो होती है ना. जी बिल्कुल होती हूँ मैं, आप लोगों को छोड़ नहीं सकते. हाय कितनी प्यारी, इतनी अच्छी बात की, तो दिल चाह रहा है आपके पास पहुँच जाऊँ इस वक्त. बिल्कुल, मैंने हिलाल से बल्कि बात करती थी. ओ हिलाल तो जा चुके हैं, मैं आपका मैसेज पहुँचा दूंगी, आप कंट्रोल रूम में अपना मैसेज दे दीजिए हिलाल के लिए. ठीक है जी, ठीक. अच्छा आयशा, जो सवाल का जवाब देंगी. मैंने आज सुना नहीं, आप बता. मैंने आप लोगों से पूछा है जब फर्रुख दरबार ने अपना फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट किया था और मुझे याद है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी. जी जी, है ना. तो क्या स्टेप फर्रुख दरबार ने सिखाया था जरा बताएंगे प्लीज? उन्होंने उसका नाम बताया. हाँ हाँ, बस उसका नाम ही तो बताना है. मैं बताती हूँ, जहन में थोड़ा थोड़ा है मेरे जहन में. 1 2 3 4 5 6 आंखों के एक्शंस बहुत होते हैं उसमें, है ना फर्रुख?
आंखों से बहुत कुछ होता है उसमें. चले कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. आप कंट्रोल रूम में हिलाल के लिए मैसेज दे दें. जी फारूक जी, तो हम आगे करते हैं. आगे मैंने आँखों से उसमें बहुत सारी चीजें होती है. हाँ, और जरा आँखों का तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और इन आँखों की मस्ती के अफसाने हजार. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चले जी, यहाँ पे तो नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी. हम आ जाते हैं अपनी मौजों पे. चले चले. अच्छा जी, अच्छा तो हम कहाँ पहुंचे थे? हम जो नेक्स्ट वाला हमारा था, जो हम वापस आते हैं मौजा ही मौजा, और उसके बाद हमने किया था राइट से लेफ्ट जाएंगे एंड फिर फ्रंट. ठीक है, वन टू थ्री एंड क्लैप. ठीक है, वन टू थ्री एंड क्लैप. उसके बाद इट्स अ किक एंड फ्रंट. ठीक है, और उसके बाद हमने किया वन टू थ्री. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इसमें जो कि करने में आपको आसानी हो, ऐसा काम हम चाहते हैं कि आप भी घर बैठे डांस कर लें, तो मैं कभी कर रहा होता हूं तो मैं वन टू थ्री फोर भी कर लेता हूं, लेकिन अभी हमने यही डिसाइड किया था कि इट्स अ वन टू थ्री. तो आप जब प्रैक्टिस करें तो वन टू थ्री करेंगे तो वो म्यूजिक पे बिल्कुल सेट आएगा. अच्छा, वन टू थ्री क्लैप, फाइव सिक्स, वन टू थ्री. ठीक है, और उसके बाद मौजा ही मौजा वाला स्टेप जो हमारा जो बड़ा मेन स्टेप है, जो लोगों को बड़ा पसंद है. वैसे तो ये पूरा ही सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार सीक्वेंस है, अगर आप खुद भी करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे. तो उसके बाद हम मौजा ही मौजा का जो एक्शन है वो आप राइट लेग अपना आगे करेंगे, तो वन टू, और दो दफा हैंड शेक करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अच्छा, एक चीज मैं इसमें बता दूं कि आप राइट लेग आगे करते हैं और लेफ्ट उठाते हैं, उसके बाद फिर राइट को उठाते हैं. ये इस भंगड़े का भी ये कोई इस तरह का स्टेप है जो भंगड़े में भी यूज होता है, और आप नॉर्मली इस तरह करते हैं. अच्छा, बेसिकली चूंकि ये पंजाबी गाना है तो इसमें भंगड़े का एक्शन है, तो ये जो आप एक उंगली के साथ, पंजाबी गाना में तो भंगड़े का एक्शन ना है, वो पंजाबी गाना है, कंप्लीट नहीं होता, तो फिर वो कंप्लीट नहीं होता. तो वो इसलिए हमने ये कुछ भंगड़े का जो एक्शन है ये हमने हैंड शेक किए दोनों, और फिर ये आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ठीक है, और उसके बाद हमने करना है स्टेप वन टू थ्री थ्री अगेन फोर फाइव सेवन सेवन. आसिफ, रात में सोते हुए भी डांस करते हो? आता मुझे तो ऐसे ही लगता है ना कि रात में सोते में भी हाथ चल रहे होते होंगे कभी कुछ. ये दूध लेने जाता है तो भी ऐसे ही जा रहा होता है. कैसे ऐसा कुछ नहीं है, जब दूध लेने जाते हो कैसे करते हो? नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा चलो ठीक है, वो तुमसे पूछूंगी मैं बाद में जी. अच्छा जी, तो हमने स्टेप किया, पहले हमने किया वन टू थ्री फोर. अच्छा, राइट राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट, पैर की पोजिशन राइट राइट. अच्छा, ये जब राइट आता है तो लेफ्ट पैर मूव करता है, राइट आगे होता है और लेफ्ट मूव करता है, उसके बाद फिर राइट मूव करता है. हम एक पैर को रिलैक्स करते हैं और दूसरे पैर को हम मूवमेंट देते हैं. ठीक है, और राइट हम आगे करते हैं लेकिन हमारी मूवमेंट जो है वो पीछे वाले पैर से जो काउंट चल रही है वो हम उसके अपोजिट हम जो है वो चेक करते हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने किया, अच्छा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी हम ये जो स्टेप कर रहे थे, हम वन टू थ्री एंड थ्री, वन टू एंड थ्री थ्री. ठीक है, ये आपके लिए अगर आप फुटवर्क कर लेंगे. कॉल ले लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर. सुबह बखैर. इकराम बात कर रही हूँ, काफी दिनों के बाद. साइमा इकराम राइट? कैसी है साइमा? हाँ जी, फायजा 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 इकराम. हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं साइमा को नहीं पहचान पाई थी, फायजा को तो पहचानती हूँ. कैसी है फायजा? अल्लाह का शुक्र. केकिल वाले ने चैनल अनाउंस किया था, पूरे देखा आपको. ओ, ये क्या किया तुमने? बस अपना. अच्छा, तो फेसबुक पे देख लिया करो ना लड़की, फेसबुक पे देख लिया करो, हमारा तो पेज एक्टिवेट है ना, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है. ओ, ओ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा, और आप सब ठीक हो? बस जी आपके सामने है सुबह सुबह, बिल्कुल ठीक ठाक.